मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। खूंटी में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। आदिवासी लड़की से मुस्लिम लड़के ने दुष्कर्म किया है, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इस घटना को झारखंड के इस्लामीकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम बताया है। झारखंड इस्लामीकरण की राह पर बढ़ता हुआ जा रहा है। झारखंड में लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। खूंटी में एक घटना में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड में ग्रूमिंग गैंग का एक और कारनामा खूंटी से मिला है। 15 साल की आदिवासी लड़की को गर्भवती कर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस्लामीकरण की ओर बढ़ता हमारा राज्य। निशिकांत दुबे लगातार झारखंड में आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में लव जिहाद में फंसाकर आदिवासी बालिका से यौन शोषण का मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। नाबालिग बच्ची के गर्भवती हो जाने पर स्वजनों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के साथ ही पीड़िता को लेकर स्वजन जरियागढ़ थाना पहुँचे और आरोपित लड़के के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया। आरोपित लड़का मुस्लिम समुदाय का है, उसे नाबालिग बनाकर पुलिस ने रांची के बाल सुधार गृह भेज दिया है। एसपी अमन कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। 4 महीने की गर्भवती है। उन्होंने कहा है कि पीड़िता और आरोपी दोनों नाबालिग है, इसलिए नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच लगभग 8 महीने का संबंध था। इस दौरान दोनों आसपास के क्षेत्रों में एक साथ घूमने जाया करते थे। इसी दौरान आरोपित ने आदिवासी लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया था। पीड़िता 4 महीने की फिलहाल गर्भवती है। देखिए, जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के द्वारा उसके साथ बिना कंसेंट के अवैध रूप से संबंध बनाने का मामला सामने आया था, जिसमें जिस पर आरोप उसने लगाया है वह बच्चा भी नाबालिग है। लड़की के बयान के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर बच्चे को निरुद्ध किया गया है और फर्दर जो निरुद्ध करने के बाद जो कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा की गई। गर्भवती है सर, लड़की का 4 माह का गर्भवती होने का बात सामने आया है, जो लड़की कह रही है। हम लोग मेडिकल वगैरह कराए हैं, रिपोर्ट वगैरह आने के बाद उसकी पुष्टि भी हो जाएगी। पीड़िता का भी मेडिकल टेस्ट करा लिया गया है। ऐसे में झारखंड में मुस्लिम समुदाय की ओर से आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिससे लगातार बीजेपी के सांसदों की ओर से ये आरोप लगता रहा है कि झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार में इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में इस्लामीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी लड़कियों पर बेवजह धर्मांतरण करने का भी दबाव डाला जाता है और बात न मानने पर उनको जान से भी मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं दुमका में भी हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में कानून कितना बड़ा काम करेगा या आने वाले दिनों में जो माहौल बनेगा वो कैसा होगा, इस घटना से राज्य सरकार क्या सबक लेती है, तमाम बातों पर निगाहें जारी रहेंगी। मुखर संवाद के लिए खूंटी से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।